ये जगह पूरी तरह से कॉमर्शियलाइज है। भाई साहब डेनमार्क से हैं, बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे दोनों देशों के बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं। और एक मोहतरमा थी यहाँ पे, तो उनसे बात करके मैंने ये जाना कि वो लिथुआनिया से थी। और ये रात का वीडियो, मेरा ये सेकंड वीडियो है जो रात में बना रहा हूँ मैं। हाउ मच इज दिस? सिक्स गोस्वामी, सॉरी 8,000। वेरी एक्सपेंसिव। तो भाई साहब डेनमार्क से हैं, भाई साहब का नाम है दावे, टाइटल है दावे, नाम क्या बताया था भूल गया मैं, पर ये डेनमार्क से हैं और यहाँ पे इनका दुकान है और ये 7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। इससे पहले मैं यहाँ इनके पास से एक ये वाला व्हाट इज दैट बर्गर, हाँ एक बर्गर खाया था यहाँ से, पर वो वाला वीडियो शायद मेरे से पॉज हो गया था इसलिए नहीं उठा था। तो भाई साहब यहाँ पे मेरे लिए एक चॉकलेट का, ये उनका है तो चॉकलेट का मिक्सचर बना रहे हैं, देखते हैं टेस्ट करके कैसा टेस्ट रहता है। और यहाँ पे भी दुकानें लगे हैं, तो आप जो भी देख रहे हैं मेक श्योर दैट ये वेज है, नॉन वेज नहीं। तो भाई साहब हमारे लिए मिल्क शेक बना रहे हैं और ये उनके वाइफ है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि मैंने और एक शख्स से बात किया था और एक मोहतरमा थी यहाँ पे, तो उनसे बात करके मैंने ये जाना कि वो लिथुआनिया से थी और यहाँ पे वो फॉरेवर के लिए रहने आ गए हैं, मतलब भगवान के शरण में आ गए हैं। तो ये आ गया चॉकलेट मिल्क शेक। तो ये आ गया, बहुत अच्छा बनाया बुलेटी बोल रहा हूँ। तो भाई साहब बंगाली भी जानते हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं वो भी बंगाली बोलते हैं, मेरे मुँह में लगा है शायद। अब क्या करेंगे? ये कैसे सोचते हैं? तो बच्चों से बूढ़े सब यहाँ पे, मतलब 8 से 80 तक जो पीपल है यहाँ पे आके अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, शाम को एंजॉय कर रहे हैं। ये कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं पापा के साथ। और चलिए
आपको और भी कुछ दिखाता हूँ यहाँ से दुकानों के बारे में। तो यहाँ पे गारमेंट्स की दुकान लगे हैं, सुवेनियर शॉप, और ये सारे मतलब ट्रेडिशनल वेयर। तो मैं पसंद करूँगा। अच्छा, बच्चे बहुत ही मज़ा ले रहे हैं। ये कुछ गारमेंट्स की दुकानें हैं। बहुत ही शांत सा माहौल है। मैंने वहाँ पे एक जनों से पूछा तो वो लिथुआनिया से थी, और जो शॉप ओनर थे वहाँ पे, जिसके शॉप से मैं एक बर्गर खाया था और एक मिल्क शेक खाया था, तो वो थे डेनमार्क के। यहाँ पे ये तबला हारमोनियम की दुकानें हैं। जो भक्त लोग आते हैं वो यहाँ से तबला या हारमोनियम खरीदते हैं। ये गार्लैंड्स हैं, बहुत सारे दुकानें यहाँ पे लगे हैं, और मैं भी यहाँ पे टहल रहा हूँ। चलो मिट्टी उड़ा दो। ये सुवेनियर शॉप है, तो छोटे छोटे मूर्तियाँ यहाँ पे लगे हैं। How much is this? Six Goswami? Sorry? 8,000. Oh, it's very expensive. Handwood, handmade. Okay. तो ये हाथ के बने हैं। तो ये छोटे छोटे जो गोस्वामी यहाँ पे रखे हैं, ये का 6 गोस्वामी का 8,000 आता है। बहुत एक्सपेंसिव है। और भी बहुत सारे यहाँ पे ये नृसिंह देव की। This is also 30,000. It's so expensive. And that's 6,000. Lord Jagannath, Baladev, Subhadra, and Jagannath. It's 6,000. तो ये इनका दुकान है। तो मैं चलता हूँ आगे, देखता हूँ कुछ और मिलता है कि नहीं। ये हैंडवुड है, हैंडमेड है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये जो पीछे जो दो लड़कियां हैं, ये शायद रशिया से हैं। और यहाँ पे बच्चे बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे फॉरेनर भी खेल रहे हैं और इंडियन भी खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे दोनों देशों के मतलब बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं। इट्स रियली मिसमराइज्ड। और ये बिल्कुल गेट के बाएं तरफ बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, सुवेनियर शॉप, कुछ साड़ियाँ, गारमेंट्स, और बहुत सारे शॉप लगे हैं यहाँ। तो मैं घूम रहा हूँ अभी। वहाँ पे थोड़ा आगे प्रसाद सेवन किया जा रहा था, तो थोड़ा प्रसाद खाया और उसके बाद इधर ऐसे घूम रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे सुवेनियर शॉप है। और मैं बिल्कुल अभी इस मंदिर में गया था। सुबह जब मैं आया था यहाँ पे,
ये खुला नहीं था, अभी खुला था तो मैं अंदर गया था और बहुत ही अच्छा। ये एक समाधि है, सॉरी मंदिर नहीं है, समाधि है, ये समाधि है, समाधि श्री प्रभुपाद की समाधि है। तो मैं पहले से सोच रहा था कि ये एक मंदिर है, पर ये मंदिर नहीं है, ये एक समाधि है। तो बहुत ही उन्नत रूप के समाधि है, मतलब आप अगर इसमें जाओगे, इसके अंदर आप जाओगे, एंटर करोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके अंदर मोबाइल्स और कैमरा अलाउ नहीं थे, शूज़ भी अलाउ नहीं है, तो शूज़ मैं बाहर रखा था, इसलिए शूज़ के लिए कोई चार्ज नहीं, पर हाँ कैमरा और दो मोबाइल रखा था, इसके लिए 10 रुपये मुझे देना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे सुविधा शॉप यहाँ पे लगे हुए हैं। गौरताई कृपा भंडार, यहाँ सारे केक के शॉप है, यहाँ पे केक आइसक्रीम्स। और मुझे लगता है कि मैं कल भी यहाँ पे रुकूँगा, क्योंकि ट्रेन कोई अवेलेबल नहीं है यहाँ से भुवनेश्वर तक, तो शायद मुझे कल भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, पर देखता हूँ अगर ट्रेन मिलता है तो है? चला जाऊँगा। और ये रहा एंट्री और एग्ज़िट गेट, बिल्कुल मेन समाधि के मेन समाधि का एंट्री गेट या फिर एग्ज़िट गेट। और इसके सामने ये महाप्रसाद का स्टॉल लगा है, तो मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ। तो यहाँ से आप अगर बाहर निकलते हो ना, तो बहुत सारे यहाँ पे लोग होते हैं जो आपके सर पे टीका लगा के पैसा ले लेते हैं। ये अच्छा है, पर ये लोग उस इंटेंशन से नहीं देखते इसे, ये सोचते हैं कि ये इनका बिजनेस रहता है। चलो, और इसके सामने ही बहुत सारे होटल्स लगे हैं और खाने की दुकान। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:30 बज रहे हैं, और रश देख लीजिए आप, कितना रश है यहाँ पे, बहुत ही रश है। मुझे तो लगता है सारे जो कोलकाता के लोग हैं वो सारे यहाँ आ गए हैं। अभी और भी भीड़ बढ़ेंगे, जितना अभी होली नज़दीक आ रहा है उतना यहाँ पे भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये देख लीजिए आप, ये जगह पूरी तरह से कॉमर्शियलाइज है, मतलब आप अगर शांति ढूंढना चाहते हैं तो इसके अंदर मेन मंदिर के अंदर आपको शांति मिलेगी। और थोड़ा आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स, जिसकी मैं बात कर रहा था सुबह में, तो मैं गदा भवन में रुका हूँ, पर आपको यहाँ पे सामने ही यात्री निवास मिल जाएंगे, होटल्स एंड लॉज बहुत सारे मिल जाएंगे, अबंडेंस में अवेलेबल हैं, जिसके रेट्स आते हैं मिनिमम 500 रुपीज़ से 1000 तक आता है। और गदा भवन का चार्ज तो मैं आपको बोल ही रहा था सुबह। तो अभी शाम में घूम रहे हैं।